रूस दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वो अपने रूस के दौरे से पूरी तरह संतुष्ट हैं। उन्होंने बताया कि रूस कम वक्त में रक्षा सौदों को पूरा करने के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री ने कहा कि रूस के साथ भारत के रक्षा समझौते जारी रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस के 3 दिवसीय दौरे पर गए हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लद्दाख में सीमा पर हुई झड़प मामले में पीएम मोदी पर फिर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री ने चीन के रुख को स्वीकार करके हमारी सेना के साथ विश्वासघात किया और भारत के रुख को तहस नहस कर दिया। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में बोलते हुए राहुल ने कहा कि केंद्र सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि गलवान घाटी में शहीद हुए 20 जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाए। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया आई है। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राहुल गांधी सेना के मुद्दे पर गंदी राजनीति कर रहे हैं। वो लगातार सेना का मनोबल तोड़ रहे हैं और सेना का अपमान कर रहे हैं। शिवराज ने कहा कि राहुल को चीन पर आक्रामक होना चाहिए, लेकिन वो पीएम मोदी पर हमला बोलने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। भारत के साथ कमांडर स्तर की बातचीत में चीन के तेवर ढीले पड़े हैं। चीन के विदेश मंत्रालय ने घोषणा की कि सीमा पर तनाव कम करने के पक्ष में है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लीजियन ने कहा कि एलएसी पर पैदा हुए तनाव को कम करने के लिए चीन और भारत सरकार जरूरी कदम उठाने के लिए तैयार है। गलवान में सेना के शौर्य वाले बदले के बाद पहली बार लेह पहुंचे सेना अध्यक्ष एमएम नरवड़े। अस्पताल में घायल सैनिकों का जाना हाल। एलएसी पर सुरक्षा और बातचीत की लेंगे जानकारी। चीन से आगे की बातचीत पर भी लेंगे फैसला। सामरिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर भारत और चीन के बीच युद्ध होता है तो भारतीय सेना चीनी सेना को पछाड़ सकती है और चीन को इसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। हार्वर्ड केनेडी स्कूल के बेलफर सेंटर फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल अफेयर्स की साल मार्च 2020 में प्रकाशित एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि हिमालय की सीमा में भारतीय सेना चीन की सेना को हरा सकती है और ज्यादातर विशेषज्ञों का आकलन गलत साबित हो सकता है कि भारत सैन्य ताकत में चीन से पीछे है। एलएसी पर भारतीय सैनिकों पर चीन के हमले पर अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का बड़ा दावा। गलवान वैली में चीनी सैनिकों को वेस्टर्न कमांड के बड़े जनरल ने भारतीय सैनिकों पर हमले की दी थी अनुमति। चीन के खिलाफ अमेरिका की बड़ी कार्रवाई। अमेरिका ने चीन के 4 सरकारी अखबारों को विदेशी मिशन करार दिया। विदेश मंत्री पोम्पियो ने ग्लोबल टाइम्स, पीपल्स डेली, चाइना सेंट्रल टेलीविजन, चाइना न्यूज सर्विस को चीन की कम्युनिस्ट सरकार का प्रचार करने वाला बताया। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को मिली बड़ी कामयाबी। 15 जून को जहां गलवान घाटी में सैनिकों के बीच हाथापाई हुई, तो वहीं 15 जून से लेकर अभी तक करीब 40,000 से भी ज्यादा बार चाइनीज हैकर्स ने भारत के साइबर स्पेस में अटैक करने की कोशिश की है। चौकन्नी हो गई हैं सुरक्षा एजेंसियां। विदेश मंत्री एस जयशंकर की रूस और चीन के विदेश मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक। कहा, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करके होगा अच्छे विश्व का निर्माण। पाकिस्तानी सेना सीमा पर फायरिंग से बाज नहीं आ रही है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के माचल सेक्टर में पाक सेना ने सीज फायर का उल्लंघन किया। पाक की तरफ से मोर्टार दागे गए, जिसका जवाब भारतीय सैनिकों ने बखूबी दिया। हालांकि गोलीबारी में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। बता दें कि आतंकियों को घुसपैठ कराने के लिए राजौरी और पुंछ जिलों में भी लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा है। कोरोना से बचाने वाली पतंजलि की कोरोनिल दवा को लेकर ICMR यानी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और आयुष मंत्रालय दोनों ने पल्ला झाड़ लिया है। आयुष मंत्रालय ने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। आयुष मंत्रालय ने कहा है कि बाबा रामदेव पहले अपने कागज उन्हें जमा कराएं और तब तक किसी भी तरह का विज्ञापन या दावा करने से बचें। इधर ICMR के अधिकारियों के मुताबिक आयुर्वेदिक दवा से संबंधित सभी जिम्मेदारी आयुष मंत्रालय की है। इससे पहले योग गुरु बाबा रामदेव ने कोरोना पर दवा बनाने का दावा करते हुए मंगलवार को हरिद्वार में कोरोनिल दवा की लॉन्चिंग की। इस मौके पर बाबा रामदेव ने कहा कि उनके वैज्ञानिकों ने क्लिनिकल कंट्रोल स्टडी और क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के बाद इस दवा को तैयार किया है। रामदेव ने कहा कि पतंजलि ने 280 रोगियों पर दवा का ट्रायल किया, जिसमें सभी 100% रिजल्ट आया और सभी रोगी ठीक हो गए। योग गुरु रामदेव ने दावा किया कि कोरोना से गंभीर रूप से बीमार रोगी भी 7 दिन के अंदर रिकवर हो गए।